9 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब, इसको लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। हिंदू सेना ने डिमांड की कि इस फिल्म का टाइटल बदला जाए। उन्होंने INB मिनिस्ट्री में लेटर भी लिखा, लेकिन अब श्री राजपूत कन्नी सेना आ गई है। एक लीगल नोटिस जो है लक्ष्मी बॉम्ब को भेजा गया है। क्या है पूरी खबर, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। लक्ष्मी बॉम्ब का जब ट्रेलर आया तब लोगों को फिल्म का ट्रेलर पसंद आया, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा था जिनकी भावनाएं भी आहत हुई। हिंदू सेना ने एक लेटर लिखा INB मिनिस्ट्री में और कहा कि ये जो टाइटल है गलत है, इसको बदला जाना चाहिए। अब श्री राजपूत कन्नी सेना आ गई है और उन्होंने फिल्म के टाइटल में बदलाव हो इस बात की मांग की है। जो वकील हैं श्री राजपूत कन्नी सेना, रघुवेंद्र मल्होत्रा, इन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा है और कहा है कि जो टाइटल है ना, वो बहुत सारे लोगों की, हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करता है। लक्ष्मी जो है एक देवी है और उसके आगे आपने बॉम्ब जो लगाया है वो डेरोगेटरी है और अपमान करता है हिंदू धर्म के देवी देवताओं का, और इसीलिए इसका टाइटल चेंज होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जो कन्नी सेना है अपने आक्रामक रवैये के लिए जानी जाती है। इससे पहले भी कई फिल्मों को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी और कई फिल्मों की रिलीज को भी रोका था। अब श्री राजपूत कन्नी सेना ने ये लीगल नोटिस भेजा है और कहा है कि रिलीज से पहले इस फिल्म का टाइटल जो है बदला जाए, वरना कड़क एक्शन जो है, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये तमिल मूवी है मुन्नी टू कंचना, उसका जो है ये हिंदी में बनाई गई है, उससे इंस्पायर है ये फिल्म। लेकिन फिल्म का टाइटल जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को आहत कर रहा है, उसको लेकर अब श्री राजपूत कन्नी सेना आ गई है और एक लीगल नोटिस जो है भेजा गया है।